और मध्य प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए खबर पर नजर के साथ बने रहिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इंदौर में आयोजित अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु कर्मकांड महासम्मेलन रविवार को हंसदास मठ में आयोजन किया। सर्व ब्राह्मण राष्ट्रीय संग्रहालय सम्मेलन में देश के 200 से ज्यादा ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा कर्मकांड विद्वान शामिल हुए। आए विद्वानों ने अपना अपना अनुभव बताया। सभी विद्वानों का सर्टिफिकेट शील्ड श्रीफल साल देकर सम्मान किया गया। सम्मेलन संयोजक पंडित नीरज शर्मा ने बताया, मुख्य रूप से दिल्ली से वरिष्ठ मुंबई से नितिन गोटी, दिल्ली के शुभम शर्मा, अहमदाबाद के ज्योतिष राघव, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु कर्मकांड महासम्मेलन के संरक्षक योगेंद्र महंत के द्वारा आए हुए विशेष अतिथि आइडिया अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक का सम्मान किया गया। पंडित योगेंद्र महंत महेंद्र ने बताया, उनके द्वारा यह सम्मेलन पिछले 20 वर्षों से किया जा रहा है और लगातार काफी सहयोग मिलता रहा है। अन्य देश प्रदेश के पंडितों से और उनके द्वारा इस आयोजन की प्रशंसा कर रहे हैं। और एक पत्नी अच्छी हो, अगर आपकी पत्नी अच्छी है तो पूरा परिवार आपका पड़ जाएगा, ये मेरा दावा है। और अगर पत्नी किसी भी तरीके से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ तो पूरा परिवार बिखर जाता है। तो दो चीजों के लिए आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये भाग्य रेखा आपके जीवन के अंदर आपके भाग्य को प्रबल बनाएगी और ईश्वर करे आपको सबको अच्छी पत्नियां होंगी। मैं तो ये जानता हूँ सबके लिए बढ़िया है, जिन लोगों की नहीं उनको भी बढ़िया मिल जाए। कुछ याद करें ना करें, लेकिन हम ज्योतिष में एक चीज को, एक बात को अच्छे से याद कर लें, ज्योतिष पूरी तरह इष्ट पर आधारित। जब हम कुंडली बनाने निकलते हैं तो इष्ट काल निकालते हैं, जन्म समय सूर्योदय के अंतर को क्रिया करके गणती उसमें रेखांतर और बेलांतर क्रिया करते हैं, और जब उसमें उसकी घटीपल बनाते हैं यानी ढाई का गुणा करते हैं तो हम उस बीएड पोस्ट ग्रेजुएटों को कुछ समय लिख कर दिया, ट्रायल किया पढ़े लिखे लोगों को, ज्योतिषाचार्यों को, कि 13 घंटे 5 मिनट और 36 सेकंड का ढाई गुना करके घंटा मिनट में सेकंड में बताइए, यानी घटीपल बनाकर बताइए। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है लेकिन 3-3 घंटे लग गए, वो इसको घंटा मिनट सेकंड में नहीं बता पाए। और यहां भी जितने बैठे हैं, मुझे विश्वास है, मैं जानता हूं कि 90% लोग इस कैलकुलेशन को, इस गणित को नहीं कर पाएंगे। देश भर से पधारे सभी ज्योतिषाचार्य गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान सभी ऐसा शास्त्र में निपुण और पूरे देश को जिनका मार्गदर्शन मिलता है ऐसे सभी गुरुजनों को हूं। मेरा अनुभव तो ऐसा इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं है, किंतु मैं कुछ मूल बातें बताना चाहता हूं। मैं सरस्वती शिशु मंदिर में लंबे समय तक प्रधानाचार प्राचार्य रहा हूं। जो मैंने पढ़ा है कि ये जो शास्त्र है इस प्रकार का, जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसके कारण पूरे विश्व में जो हमारे देश को मान्यता मिली हुई है और एक विश्वास है, ये हमारे प्राचीनतम ऋषि मुनि। आज विशेष महासम्मेलन हुआ है अखिल भारतीय, क्या कहेंगे उसके बारे में? अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु कर्मकांड महासम्मेलन का आयोजन 19 सितंबर को हंसदास मठ में किया जा रहा है। सर्व ब्राह्मण महासंघ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नीरज शर्मा इसके आयोजक हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से, विभिन्न शहरों से, चाहे बम्बई हो, दिल्ली हो, जयपुर हो, या मध्य प्रदेश के भोपाल हो, सागर हो, विदिशा हो, ऐसे विभिन्न शहरों से प्रसिद्ध ज्योतिष जो विभिन्न क्षेत्रों में, कोई हस्तकला विशेषज्ञ है, कोई कुंडली विशेषज्ञ है, तो कोई अन्य विषयों में उनकी महारत है, ऐसे सब ज्योतिष यहाँ पर शामिल हैं। लगभग कितने इसमें ज्योतिष शामिल हो रहे हैं, कितने दिन का प्रोग्राम है? 200 से 250 ज्योतिष इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। काफ़ी ज्योतिष विभिन्न क्षेत्रों से आ चुके हैं। सम्मेलन का पहला सत्र प्रारंभ हो चुका है
और आप लगभग कितने सालों से करवा रहे हैं ये? निश्चित रूप से 15 से 17 वर्ष मुझे भोगन सरकार के सम्मेलन करते हुए ये जनता के खिताब किए गए। ठीक है, आपका शुभ नाम बताया। विश्व सम्मेलन में आज विशेष रूप से आए और आपका क्या अनुभव रहा और यहाँ पर आपके अनुभव को देखकर काफ़ी सारे ज्योतिष में उत्साह और क्या कहना चाहेंगे? आज सौभाग्य से मुझे ज्योतिषाचार्य यहाँ सम्मेलन जो है उसमें आने का अवसर मिला है और अनेक देश भर से अनेक विद्वत जन यहाँ उपस्थित हुए, उन सभी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन सबको मिल रहा है। मेरा जो अनुभव वो तो ये है कि यह जो भारत की प्राचीनतम विद्या है या शास्त्र है, इसको और सम्मान मिलना चाहिए। लोगों का विश्वास इसके प्रति है ही और विश्वास बढ़ना चाहिए और इसलिए जो यहाँ आयोजन किया है, मैं आयोजन को इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। पता है आज विशेष रूप से ज्योतिष सम्मेलन हुआ है, क्या कहेंगे उसके बारे में? आज हमारे लिए बड़ा ही गौरव का दिन है कि हमारे परिवार के साथी नीरज शर्मा जी द्वारा जो ज्योतिष वास्तु सम्मेलन किया जा रहा है इंदौर में, मतलब इंदौर में देश भर के लोग आए, ये बड़ा ही एक हमारे लिए गर्व का विषय कि देश भर के वास्तुविद और ज्योतिष हमारे बीच आके हमें अपना अनुभव सुनाते हैं और अपना ज्ञान की दिशा बताते हैं कि हमें नौ ग्रहों के अंदर किसी दिशाओं पे हम क्या काम करना चाहिए, नौ ग्रह हमारे जीवन में क्या उपयोगिता होती है उनकी और किस तरीके से हमको जीवन के जीने की एक रास्ता होता है वो बताते हैं हमें, क्योंकि ज्योतिष जो होता है एक भविष्य का मार्गदर्शन होता है। ज्योतिष के अंदर हमें ये बताया जाता है कि आपके साथ ये होगा या ये होने वाला है, तो उस आदमी उस कल्पना के आधार पे आगे जीवन जीता है या उसका कोई उपचार होता है या उसका कोई साधन होता है तो वो उसको करने का ये ज्योतिष और विद्वान लोग जो बताते हैं उसका पालन करते हैं। आज इंदौर में पूरे देश भर के लगभग सैकड़ों लोग आए हुए हैं, ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है, वास्तु सम्मेलन हो रहा है, इसमें आज हमने उन सभी का हार्दिक स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। आपका आज अभी इंदौर में हमारे पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी आए, महामंडलेश्वर रामचंद्र दास जी महाराज आए, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष खेपाल सिंह जी चावड़ा साहब आए और अनेक विभूतियों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और ये शहर के लिए बड़ा ही गौरव की बात है। आपका नाम? मैं घनश्याम जोशी, संयोजक सर्व ब्राह्मण समाज राष्ट्रीय महासंघ। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज यहाँ ज्योतिष महासम्मेलन में आप आए, कैसा लगा आप बताइए? आपको काफी लोगों ने अच्छा सुना और आपके प्रश्नों की तरह काफी मैं पंडित कृपाराम उपाध्याय भोपाल से हूँ और ज्योतिष तंत्र मेरा पैतृक कार्य है। मेरे दादा पिताजी आदि इसी कार्य को करते रहे हैं और मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अपने पैतृक कार्य को ही चुना। काफी सारे लोगों की अलग अलग सोच है आजकल के जो जमाने को लेकर, जो काफी सारी विधा अलग अलग आ गई है, कंप्यूटर पे लोग देख लेते हैं और उसको लेकर क्या कहेंगे, और आपने जो इतने वर्षों से देखते आ रहे हैं आपकी ज्योतिष को लेकर क्या कहेंगे? कंप्यूटर ने ज्योतिष को काफी सहयोग किया है ये मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि जो गणना करने में हमको 8 दिन लगते थे कंप्यूटर वो हमको 8 मिनट में देता है, लेकिन उसके अंदर एक फीड सॉफ्टवेयर होता है, किसी एक विशेष व्यक्ति ने उसमें जो फीड कर दिया, जो सॉफ्टवेयर बनाया उतना वो कार्य करता है, उसके अंदर स्वविवेक नहीं होता, उसके अंदर जस्टिस की पावर नहीं होती। तो एक विद्वान आचार्य जब कई वर्षों तक अनुभव करता है तो वो एक सूत्र को हजारों बार एक तारतम्य से गुजारता है और फिर एक निष्कर्ष निकालता है कि ये सूत्र इतना सही है और इन परिस्थितियों में सही है, ये कार्य आधुनिक कंप्यूटर कैलकुलेशन नहीं कर सकता। और भविष्यवाणी को लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि काफी सारे विद्वान हैं जो काफी भविष्यवाणी करते हैं और काफी जगह सुनने में आता है कि बहुत ठीक विद्वान की भविष्यवाणी बिल्कुल 1000% सटीक बैठती है, क्या कहेंगे उसके बारे में? नहीं, जो सही हमारी जो गणना है ज्योतिष की, उन सूत्रों पर संहिताओं के बताए मार्ग पर भविष्यवाणी करते हैं तो अधिकतर, क्योंकि 100% तो भविष्यवाणी कभी सत्य होती नहीं, ये पार्वती जी द्वारा श्रापित विद्या है, परंतु काफी हद तक यानी 90% से ज्यादा तक भविष्यवाणियां अधिकतर अगर सही कैलकुलेशन किए जाए तो सत्य होती। और आपके द्वारा विशेष
पूरे 24 घंटे में एक समय बताया जाए कि उस समय में यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो बकायदा उस बात सत्य साबित होती है। चूंकि मैं एक ज्योतिषी हूँ, मैं सुनता आया था कि 24 घंटे में प्रत्येक व्यक्ति की एक भविष्यवाणी सच होती है, तो मैंने उस समय के बारे में सोचना शुरू किया। तो पूरे ज्योतिष की गणनाओं को देखा जाए तो हमारे अष्टम भाव को गुड़ भाव कहा जाता है, मृत्यु भाव भी कहा जाता है। तो इसके साथ साथ एक कहावत और सुनी थी कि मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। तो जब कुंडली का मृत्यु भाव लग्न से समांतर सक्रिय होता है तो निश्चित वो हमारा एक मृत्यु काल होता है और गुड़ विद्या का भाव भी होता है। उस समय जो बोला जाता है या उसको हम नहीं बोलते, वो ईश्वरी होता है और वो सत्य होता है। मेरा नाम पंडित कृपाराम उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य भोपाल। आज आप ज्योतिष महासम्मेलन में आए और आपने काफी अच्छा उद्बोधन किया, काफी उद्बोधन को देखते हुए काफी सारी चीजें आपने ज्ञान प्रकाश डाला हमारे सम्मेलन में, क्या कहेंगे उसके बारे में? आपका नाम बताएं। मेरा नाम पंडित हरिओम जोशी, ज्योतिषाचार्य राजगुरु इंदौर। ठीक है, और आपने आज जब विशेष सम्मेलन में आए क्या कहेंगे इसके बारे में? सम्मेलन के विषय में जो जानकारी है, एक तो क्या है, सम्मेलन में काफ़ी दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से ज्योतिष विद्वान लोग आए हैं, जिसने अपने ज्योतिष ज्ञान का एक अपना अपना व्यक्तित्व प्रदान किया है। इसमें ज्योतिष विषय पर भी चर्चा हुई है कि ज्योतिष में कई तरीके की भ्रांतियां भी होती हैं। जिस तरह की भ्रांतियां होती हैं कि लोगों को ठग विद्याएं करना या अन्य तरीके से मतलब भूत प्रेत बाधा बधा के ठग विद्याएं करना, तो उसमें भी एक शोध रिसर्च किया जाता है कि ज्योतिष में इस तरह की अनगढ़ बातें नहीं होना चाहिए, ज्योतिष में ज्योतिष का मूल रूप से ज्ञान देना चाहिए। आप किस विधा में से महारत आपकी? मैं वैसे हस्तरेखाओं के अंदर, विशेष विधा के अंदर योग रखता हूँ, जो कि हस्तरेखाओं के द्वारा जो बच्चा पैदा होता है तो साथ में लेकर रेखाओं को पैदा होता है। जन्म पत्र का तो बाद में बनती है, लेकिन बच्चा पैदा होते साथ ही अपना भाग्य लिखाकर रेखाओं के द्वारा आ जाता है। लोग आपसे संपर्क करना चाहे तो अपना नंबर बताएं। मेरा नंबर है 9630486486। ठीक है, आपका शुभ नाम एक बार पुनः बताएं। पंडित हरिओम जोशी, ज्योतिषाचार्य राजगुरु, इंदौर, मध्य प्रदेश।